हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज संडे है और आज मेरा व्लॉग मॉर्निंग से ही शुरू हो रहा है, तो मॉर्निंग का क्या मैंने अभी काम खत्म किया है मैं आपको बता देती हूँ। अभी काढ़ा फिनिश किया है हमने, चाय मेरी बनने के लिए रख दी है, दूध डाल दिया है और इसमें मैंने अपना लंच की भी तैयारी कर ली है। ये छोटे वाले आलू होते हैं ना, गर्म है, ये छोटे वाले आलू होते हैं ना, ये मैंने उबाल कर रख दिए हैं क्योंकि आज मैं बनाऊंगी पुदीने वाले आलू। आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी और कपड़े वॉश हो रहे हैं। और हाँ, आप सब अगर मेरे चैनल पे नए आए हो या आप मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बस, और मेरा फेस क्या, कितनी गर्मी हो रही है। और आज मैं आपके साथ सिर्फ अपना मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी क्योंकि आगे मुझे बहुत से काम है, वो मुझे आज खत्म भी करने हैं, कुछ चीजें हैं जो बाहर जाना है लेकर आना है, तो इसलिए मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। टाइम भी आपको मैं बता देती हूँ, टाइम हो रहा है 8:30। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चाय देखो उबल चुकी है, ये है चाय। आप देख सकते हो ना कितनी तेज़ हवा चल रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो सारे कपड़े वॉश हो गए हैं, बस थोड़े से कपड़े हैं जो वो भी अभी धुल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं थोड़ा सा काम, काफ़ी दिनों से अटका हुआ काम था तो आज मैंने उनको करवा दिया। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर ये पर्दे मैं पर्दे लगाऊंगी और ये जो पर्दा है ना, आपने देखा होगा हमेशा यहाँ लगा रहता है, तो यहाँ से ये पर्दा निकाल दिया है और यहाँ पे जो रोड लगी हुई थी वो भी निकाल दी है पर्दे की, तो उसको वहाँ लगा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना दिखता था बाहर से अंदर तक इसलिए। और बस ये वो वाला काम भी हो गया है, दोबारा मैंने झाड़ू लगा दिया है, तो अब मुझे टाइम मिला है, सोचा कि फटाफट से ना मैं अपने बालों में तेल लगा देती हूँ क्योंकि मुझे आज जो हेयर वॉश भी करना है और काफ़ी टाइम से मैं बालों में तेल नहीं लगा रही थी तो बाल जो थे ना रूखे रूखे से हो गए थे, तो आज मैंने ये काम भी आज ख़त्म कर दिया क्योंकि तेल लगाने भी बहुत ज़रूरी है, बालों की केयर करने भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। फाइनली आज मैंने अपने हस्बैंड को बोल के ये जो पर्दे वाले जो काम था ये भी आज मैंने ख़त्म करवा दिया, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था कि आज करो आज करो आज करो, बट वो हो ही नहीं पा रहा था। तेल लगाकर हम बिल्कुल चंपू बन जाते हैं ना, चंपू। और अभी मैं 2 घंटे तक रखूंगी और फिर उसके बाद नहाने के लिए जाऊंगी, उसके से पहले तो मेरा काम भी अपना सारा खत्म हो जाएगा। और अभी मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ से मेरे हस्बैंड ने पर्दा उतार दिया है और यहाँ लगा दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, लाइट जला देती है, ये देखिए यहाँ इसलिए लगा दिया है क्योंकि वहां से ना बाहर से ना ये पूरा पोर्शन दिखाई देता था और जो यहाँ लगाया हुआ था वो था नेट का, तो उसकी वजह से ना कोई यूज नहीं था, समझ लीजिए कोई यूज नहीं था, इस वजह से यहाँ लगा दिया है। तो अब मैं पूरा गेट भी खोल सकती हूँ, हवा चलेगी, थोड़ा सा पर्दा खोल कर हल्का सा गेट बंद कर सकती हूँ तो ठीक है। और यहाँ का जो पर्दा है वो मैंने धोने के लिए डाल दिया, वही धुल रहा है। हाय हाय करो, आने तो रेडी होगी नहाकर, और हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो मैंने कहा ये काम भी जरूरी था, पहले ये काम भी खत्म कर देते हैं, तो ये हो गया है काम।
कब से टल रहा था कि आज नहीं आज नहीं आज नहीं, आखिर मैंने करवा ही दिया इन्हों से। दूध भी उबल चुका है, भैंस का आ गया है। पहले मैं सोच रही हूँ कि ना सब्जी बना लेती हूँ। ये रहे आलू, लाइट ऑन, ये रहे आलू, इसको उबाल के ना फ्रिज में से दही। तो ये रहा, और पहले मैं सोच रही हूँ सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद सारे काम खत्म करती हूँ। वैसे खत्म तो हो गए हैं, बस बेडरूम वाला बाथरूम रह गया, उसको क्लीन करना है, पोछा रह गया बस। वाले आलू है ना, इनको मैंने फ्राई कर लिया है, और आलू मैंने छोटे छोटे छेद भी कर लिए थे ताकि वो अंदर तक जो मैं बनाऊंगी सब्जी वो अंदर तक उसका मसाला चला जाए। और मैंने तेल नहीं डाला है क्योंकि तेल ना इसमें बहुत कम लेते हैं। थोड़ी सौंफ मैंने इसमें डाल दी, तो सौंफ अच्छे से ना पक चुकी है, मतलब अच्छे से हो गया, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैंने यहाँ इसमें डाल दिया है दही, और दही जो है वो बिल्कुल फेटा हुआ था, और जो गैस है वो मैंने कम की हुई है, नहीं तो दही जो है ना फट जाएगी। इसके बाद चलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। इसमें मैं कोई प्याज लहसुन टमाटर मैं कुछ नहीं डालूंगी, ये सिंपल ही बनता है। और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, तो नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मेरे पास पुदीना रखा था, तो मैंने पुदीने को भी इसमें डाल दिया क्योंकि मैं पुदीने वाले आलू बना रही हूँ ना इसलिए। और इसमें डाल मिक्स करने के बाद दही में, और मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी, तो बस ये हो जाएगा, चलाऊँगी नहीं। इसी तरीके से इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ढक के रख दूँगी, तो जो उसका पुदीने का जो फ्लेवर होगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। और अब मैं जाऊँगी इस फटाफट से अपने जो पोछा जो रह गया था वो लगाने के लिए, क्योंकि आज मैंने अपने जो फ़र्श है वो पानी से धोया नहीं है, नहीं तो मैं हमेशा ही ऐसा ही करती हूँ। जब भी मुझे मशीन लगाती हूँ तभी मैं अपनी फ़र्श को पानी से धो देती हूँ, बट आज नहीं किया क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि अभी मुझे और भी काम ख़त्म करने हैं, बाहर भी जाना है थोड़ा सामान लेने के लिए। सब्जी है वो बन के तैयार हो गई है, और मैंने गैस को बंद कर दिया है, तो अब सारा काम हो गया है, पोछा लग चुका है। तो मैंने एक बार देखा कि सब्जी जो है बन के तैयार हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ बेडरूम का जो बाथरूम है ना उसको साफ करने के लिए, उसके बाद सीधा जाऊंगी नहाने के लिए। और ये दूध जो है ना ये भी उबल चुका है, गर्म है अभी। काम हो गया है और सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, मैंने जैसा कि आपको दिखाया ही था, तो सारा काम मेरा हो गया है। और अभी टाइम हो रहा था 11:30। आरना जब नहाकर आई थी तो मैंने इसके बालों में तेल नहीं डाला था, और जब इसके बाल सूख गए थे ना तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब आइज़ पे आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चल इसके मैं
बालों में तेल डाल देती हूँ और चोटी बना देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और यहाँ पर ही इसी रूम में ही टीवी रख दिया है, क्योंकि गेट खोला हुआ ना, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो बस यहाँ पर मैं इसका ये काम कर रही हूँ, चोटी बना रही हूँ, और इसकी थोड़ी देर बाद फिर मैं इसकी थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है, थोड़ी सी रिविज़न करवा रही हूँ इसको ना, मैं करवा रही हूँ प्लस करना सिखा रही हूँ उसको। तो वही जो आपको दिख रही होगी ना, तो वो साइड में रखी हुई है इसकी नोटबुक। और चलिए मैं यहीं पर ही अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।